अयोध्या राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा दोनों पक्ष मिलकर सुलझाएं राम मंदिर का मुद्दा, जरूरत पड़ी तो मध्यस्थता के लिए रहेंगे तैयार। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में योगी सरकार, यूपी में कानून व्यवस्था बिगड़ने पर जिम्मेदार ठहराए जाएंगे अफसर, साथ ही कहा राज्य के 30 जिले खुले में शौच से होने चाहिए मुक्त। पीएम मोदी की संसद में बीजेपी सांसदों की अनुपस्थिति को लेकर कड़ी फटकार, कहा सदन में देनी होगी हाजिरी, साथ ही कहा जीएसटी के बारे में लोगों को समझाएं। महिला कर्मचारियों के खिलाफ यौन शोषण रोकने के लिए केंद्र सरकार की विशेष पहल, कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिलाओं को 90 दिन की मिलेगी पेड लीव। और जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद के बारे में दिल्ली पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, पुलिस ने हाईकोर्ट को सौंपे दस्तावेज, गूगल और यूट्यूब पर आईएसआईएस के बारे में कथा था सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों पक्ष आपस में मिलकर इस मामले को सुलझाएं, अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के जज मध्यस्थता को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर का मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है। इस मामले में कोर्ट की टिप्पणी के बारे में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के जज इस मामले में मध्यस्थता को तैयार हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए अगले शुक्रवार तक का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों साइड्स बैठकर इसकी फैसला करें और फिर हमारे पास आए उसकी एक समाधान के साथ। तो मैंने कहा कि वह बैठने के लिए आपकी आदेश की आवश्यकता है। इस पर तीनों न्यायाधीशों ने आपस में सलाह की थी 5-10 मिनट के लिए और फिर उन्होंने ये कहा कि इस पर आप अगले शुक्रवार, माने ये आने वाली शुक्रवार नहीं, उसके बाद जो शुक्रवार है उसमें आकर दोबारा आप आकर इस पर उठाइए, प्रश्न उठाइए और हम आपको बता देंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। संसद में बीजेपी सांसदों की अनुपस्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्ती दिखाते हुए बीजेपी सांसदों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में जमकर फटकार लगाई। पीएम ने सांसदों से कहा कि संसद का कोरम पूरा नहीं हो रहा है। बैठक के दौरान मोदी ने कहा सांसदों को बार बार सदन में बुलाना पड़ता है, संसद का कोरम पूरा नहीं होता है। सदन में सांसदों की अनुपस्थिति पर प्रधानमंत्री ने बरसते हुए कहा कि सांसदों को सदन में रहना होगा, मैं किसी सेंट्रल हॉल को नहीं जानता। संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम ने बीजेपी सांसदों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वो कभी भी किसी सांसद को बुला सकते हैं। उन्होंने कहा मैं किसी भी सांसद को बुला सकता हूं, कोई सांसद नहीं मिला तो फोन पर बात करूंगा। बैठक के दौरान पीएम ने जीएसटी को लेकर कहा कि जीएसटी के बारे में बीजेपी के सांसद समझें और जनता को भी इसकी खूबियों के बारे में समझाएं। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि बैठक के दौरान पीएम ने आदेश दिया कि 6 अप्रैल के दिन अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से बात करें। उन्होंने बताया कि इस दिन सभी कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार के कामकाज की जानकारी दी जाएगी, वहीं 1 घंटे के लिए बीजेपी कार्यकर्ता सफाई अभियान में भी श्रमदान देंगे, वहीं शाम को बड़ी रैली का भी आयोजन किया जाएगा। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के सामान्य सदस्यों की सम्मेलन होना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार पिछले 3 साल में कामकाज किया है, विकास किया है, जनकल्याण किया है, उसके बारे में भी वहाँ आदान प्रदान होगा और खास करके जीएसटी के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। शपथ ग्रहण के बाद यूपी में योगी सरकार एक्शन में आ गई है। कल अफसरों के साथ बैठक में योगी ने साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था बिगड़ने पर अफसर जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। यूपी के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक में सभी अधिकारियों को बीजेपी का घोषणा पत्र दे दिया गया और उस पर काम करने का फरमान भी सुना दिया गया। सरकार बनने के साथ ही योगी ने तभी भ्रष्टाचार पर वार के संकेत दे दिए थे जब उन्होंने सभी मंत्रियों से 15 दिन के अंदर संपत्ति का ब्यौरा मांगा था। अब इस लिस्ट में
सरकारी अधिकारियों को भी शामिल कर लिया गया है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को अपने एजेंडे में बड़ी प्राथमिकता दी है। पहले सीएम आदित्यनाथ ने यूपी के डीजीपी जावेद अहमद से मुलाकात की और उसके बाद डीजीपी और गृह सचिव ने पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था को बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी अधिकारियों को स्वच्छता की भी शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि दिसंबर तक राज्य के 30 जिले खुले में शौच से मुक्त होने चाहिए। सत्ता बदलते ही लोग कैसे सत्ता के नज़दीक अपने आप को दिखाना चाहते हैं, इसकी ताज़ा बानगी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, जहां बीजेपी के झंडों की डिमांड बढ़ गई है। खास तौर पर अगर गोरखपुर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के ऐसे झंडों की मांग बढ़ गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर हो। यूपी में बीजेपी के जीत के बाद अब लोग मन अपने आप को बीजेपी और योगी आदित्यनाथ से जुड़ा दिखाने की होड़ सी मच गई है और इसके लिए बीजेपी के झंडों का सहारा लिया जा रहा है। गोरखपुर और यूपी में भी लोग बीजेपी से अपने आप को जुड़ा हुआ बताने के लिए अपनी कारों पर लगे झंडे बदलवा रहे हैं। लोग लगातार अपनी गाड़ियों में लगाने के लिए बीजेपी के झंडों की मांग कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि दोनों तरफ सिर्फ मोदी हैं और लोगों की डिमांड है कि मोदी के साथ योगी के भी झंडे होने चाहिए ताकि वो अपनी गाड़ियों में लगाकर केंद्र और राज्य दोनों जगह अपनी पहुँच दर्शा सके। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले सैन्य दल का नेतृत्व करने वाले मेजर रोहित सूरी को शांतिकाल में देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। वहीं पिछले साल जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकवादियों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले भारतीय वायुसेना के कारपोरल गुरसेवक सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी को परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा, वाइस एडमिरल हरीश चंद्र और एयर मार्शल जसवीर वालिया को भी ये पदक प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री अरुण जेटली और अन्य लोगों की उपस्थिति में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने तय किया है कि कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकायत करने वाली महिलाओं को 90 दिन की पेड लीव मिलेगी। ये लीव उस समय तक मिल सकती है जब तक मामले की जांच चल रही हो। इस आशय पर में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सेवा नियमावली में आवश्यक बदलाव भी कर दिए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न यानी रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत अगर किसी शिकायत की जांच चल रही है तो उस बीच में शिकायतकर्ता महिला 90 दिन तक का अधिकतम विशेष अवकाश ले सकती है। इस दौरान उसे पूरी सैलरी मिलेगी। खास बात यह है कि पीड़िता को दी गई छुट्टियां उसके खाते की छुट्टियों से नहीं काटी जाएंगी। किसी भी सरकार के लिए महिला सुरक्षा सबसे अहम होती है। केंद्र सरकार के लिए भी ये एक गंभीर विषय बना हुआ है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं पर प्रशासनिक ढील की वजह से आरोपियों को पकड़ने में अक्सर देरी हो जाती है। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती और इसलिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने ट्वीट किया है कि कोई भी महिला या बच्चा जो उत्पीड़न या हिंसा झेल रहा हो वो उन्हें बताने के लिए #HelpMeWCD लिखकर ट्वीट करे जिस पर ज़रूर प्रतिक्रिया मिलेगी। मेनका गांधी इसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की मदद करना चाहती हैं। इससे पहले उन्होंने बताया था कि सरकार ट्रॉलिंग का शिकार हुई महिलाओं की मदद के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करे।
नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने आगामी नगर निगम चुनाव में कोई भी दागी प्रत्याशी न उतारने का निर्णय लिया है। आप पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला पाए जाने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर देने की जानकारी दी है। इसी के तहत पार्टी ने घोषित उम्मीदवार विजय पवाड़िया की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। बता दें कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव अगले महीने होने वाले हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में फंसी हैदराबाद की महिला की वापसी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। विदेश मंत्री स्वराज ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग को महिला के पासपोर्ट का नवीनीकरण करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि महिला ने विदेश मंत्री से भारत लौटने में मदद मांगी थी। उसने सुषमा को पाकिस्तान में पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने की भी बात बताई थी। JNU से लापता छात्र नजीब अहमद के बारे में दिल्ली पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को दिए रिपोर्ट में बताया है कि नजीब गूगल और यूट्यूब पर दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन ISIS के बारे में जानकारियां सर्च किया करता था। वो IS की विचारधारा, कार्यशैली और नेटवर्क के बारे में जानना चाहता था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने नजीब अहमद के कमरे से एक लैपटॉप बरामद किया था। गूगल और यूट्यूब के ब्राउजिंग हिस्ट्री से पता चला है कि वो ISIS से संबंधित जानकारियां सर्च किया करता था। यूट्यूब पर उसने IS से संबंधित कई वीडियो भी देखे थे। वो जानना चाहता था कि आतंकी संगठन IS को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया है कि 14 अक्टूबर 2016 की रात नजीब अहमद अपने कमरे में एक ISIS नेता का भाषण सुन रहा था। उसी वक्त ABVP के सदस्यों ने उसका दरवाज़ा खटखटाया और उनके बीच बहस हुई थी। अगले दिन नजीब JNU से लापता हो गया। कैंपस में लगे CCTV फुटेज में एक ऑटो रिक्शा से नजीब कहीं बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। NIA ने विवादित प्रचारक जाकिर नायक को आतंक रोधी कानून के तहत 30 मार्च को पेश होने का आदेश जारी किया है। NIA ने जाकिर नायक के खिलाफ अहम गवाहों की गवाही भी जुटा ली है। बता दें कि नायक के खिलाफ कथित तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और लोगों को आतंक की ओर प्रेरित करने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। NIA ने इसी मामले में अब तक तकरीबन 60 लोगों से पूछताछ की है। इसमें नायक के परिवार के सदस्य और उनके कारोबारी सहयोगियों के साथ साथ उनकी कंपनी के कर्मचारी भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में एक के बाद एक डॉक्टरों पर हो रहे हमले के बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में एक महीने के अंदर राज्य के कई इलाकों में मरीजों के परिजनों द्वारा डॉक्टर्स पर हमले करने के कई मामले सामने आए हैं। लगातार बढ़ रहे हमलों से सभी सरकारी अस्पतालों से नाराज रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। यूपी के कौशाम्बी जिला कारागार में एक कैदी की रहस्यमय हालत में मौत होने से जेल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जेल में सजा काट रहे 70 साल के कैदी देशराज को 2 साल पहले एक हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कैदी की मौत के बाद परिवार के लोग जेल प्रशासन पर इलाज ना कराए जाने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि इस पूरे मामले पर जेल के अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। फिलहाल जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि देशराज को अभी सजा के 2 साल ही बीते थे कि आज सुबह देशराज के घर वालों को जेल प्रशासन ने उसकी मौत की खबर दे दी। तो वहीं बेटे मोतीलाल का कहना है कि अभी होली से पहले वो अपने पिता से जेल में मिलने गया था, तब उन्होंने जेल कर्मियों के द्वारा रुपए मांगे जाने की बात बताई थी और बीमारी का इलाज ना कराए जाने का भी आरोप लगाया था। कौशाम्बी के प्रभारी जिला अधिकारी दिनेश सिंह ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। सर, मेरे पिताजी 2 साल से जेल के अंदर जिला जेल में बंद थे।
खास होली के दिन 12 तारीख को हमने मुलाकात करने के लिए गए थे, सही सलामत थे, खाना पीना लेके गए थे। आज के मुलाकात करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन हमारे बीबी की तबीयत नहीं सही होने के कारण आज हम नहीं गए। लेकिन हमारे पापा ने अभी मीडिया वाले ने हमको खबर दिया है कि आपके पापा खत्म हो गए, मीडिया वाले ने हमको खबर दिया है, प्रशासन ने कोई खबर नहीं दिया, जो कि जेल जिला जेल से मेरा घर 2 किलोमीटर के दूर में है। आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में चौकी के पास SBI ATM से कुछ दूरी पर ही बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक्टिवा सवार चांदी व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारकर बदमाश मौके से ही फरार हो गए। व्यापारी की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसरों ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भैया ये 7:30-8 बजे दुकान बढ़ा देता है रोजाना, और लंगड़ी चौकी होते हुए जाता है घर पे। इससे पहले 3-4 महीने पहले भी बदमाशों ने सब्बल मारा था, इसके करीब 10-12-15 टांगे आए हैं सिर में। तो जब हम लोग शांत हो गए कि हो सकता है कोई लूट वूट का चक्कर होगा, आज जो है उन्हें सबरा ख़त्म ही कर दिया, घर परिवार हमारा सबरा ख़त्म कर दिया। किसके साथ ये बल्केश्वर में बाके बिहारी कचौड़ी वाला है भाभे हुई है भैया। देखिए एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें ये पता चला है कि फवारे से अपनी दुकान से एक कोई चांदी व्यवसायी है, वो जा रहे थे अपने एक साथी के साथ स्कूटी पे, पीछे से किसी ने उन पे फायर किया है जिसके बाद वो घायल हो गए। घायल होने के बाद वहीं कमला नगर में एक निजी अस्पताल में उनको ले जाया गया। वहाँ लोगों का कहना था कि शायद उनको फर्स्ट एड नहीं मिली, फर्स्ट एड मिली या नहीं मिली वो हॉस्पिटल में बात कर रहे हैं SP उनसे, और उसके बाद उनको यहाँ लाया गया जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। जो इनके साथ स्कूटी पे था उससे पूछताछ की जा रही है, और जिस क्षेत्र में ये इंसिडेंट हुआ उसमें लापरवाही पाते हुए चौकी इंचार्ज कमला नगर को सस्पेंड कर दिया गया, और भी अगर किसी पुलिसकर्मी की कोई लापरवाही आएगी तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में BA की छात्रा के साथ दुष्कर्म करके हत्या करने का मामला सामने आया है। छात्रा का शव एक पेड़ से लटका मिला। मामला बुलंदशहर के खानपुर पुलिस थाना इलाके का है। अपराधियों ने छात्रा का अपहरण करके घटना को अंजाम दिया। लोगों ने पुलिस पर कोई भी कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह गैंग को पकड़ लिया है, जिनके पास से पुलिस को चोरी की 9 बाइकें मिली हैं। वहीं 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस फरार एक आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मामला जिला फिरोजाबाद थाना दक्षिण का है, जहाँ पुलिस ने बहुत बड़े एक बाइक चोर गिरोह गैंग को पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह का कहीं ना कहीं और किसी मामले में भी हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये आज फिरोजाबाद पुलिस की थाना दक्षिण इकाई ने 2 बहुत ही शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों चोर आगरा के फतेहाबाद इलाके के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें, विभिन्न ब्रांड की 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पूछताछ में यह बात खुलकर सामने आई है कि ये आगरा से बराबर इनका आना जाना था यहाँ पे और बाइक चुरा। रेवाड़ी में रोडवेज कर्मचारियों ने निजी बसों को परमिट देने के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। रोडवेज कर्मचारियों का कहना था कि निजी बसों को परमिट देने की प्रक्रिया किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे इसके लिए उन्हें आर पार की लड़ाई ही क्यों ना लड़नी पड़े। गुस्साए रोडवेज कर्मचारी DTO कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों का कहना था कि पहले ही बड़े स्तर पर अवैध बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन सरकार उस पर लगाम लगाने के बजाय निजी बसों को परमिट दे रही है, जो कर्मचारी और जनता दोनों के ही हित में नहीं है। हमारा सरकार से स्पष्ट कहना है कि इस पॉलिसी को तुरंत रद्द करें और बेड़े में 10,000 नई बसें दे, तार पार की लड़ाई पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम कर दिया जाए। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 70-80 की स्ट्रेंथ के अंदर प्राइवेट बसें चल रही जो किसी प्रकार का राजस्व तक नहीं देती, इनको तुरंत बंद किया जाए। DTO महोदय से हमारी भी चेतावनी है स्पष्ट कि इन बसों का चालान करे, इनको बंद करे, और ये ऑनलाइन जो फार्म दिए जा रहे हैं इनको तुरंत रोका जाए अन्यथा सरकार के।
हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन जीएल शर्मा ने रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में व्यापारियों के साथ एक बैठक ली। वहां उन्होंने लोगों को 26 मार्च को कुरुक्षेत्र में होने वाले व्यापार सम्मेलन में पहुंचने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने सम्मेलन में रेवाड़ी से करीब 1000 व्यापारियों के भाग लेने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने व्यापारियों को अपनी सभी छोटी बड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखने की जानकारी भी दी। बैठक ली, उसमें व्यापारियों का एक सम्मेलन कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है 26 तारीख को प्रातः है 11 बजे। उस सम्मेलन में यहाँ से हमारे व्यापारी बंधुओं की कितनी भागीदारी होगी, इस विषय को लेकर आज ये बैठक रखी गई थी। और इस बैठक में भारी संख्या में रेवाड़ी के व्यापारी वर्ग के लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ सम्मिलित हुए हैं और अपना शेयर किया, हिस्सा लिया है। इस बैठक में ये तय निकल के लास्ट में आया कि लगभग इस सम्मेलन में जो कुरुक्षेत्र में हमारा प्रांत स्तर पर व्यापारी सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें लगभग यहाँ से 1000 के आसपास व्यापारी बंधु जाएंगे, अपने अपने साधनों से जाएंगे और भारी संख्या में कुरुक्षेत्र में व्यापारी सम्मेलन में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और इस व्यापारी सम्मेलन को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसमें चीफ। अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रह चुके रेलवे अधिकारियों के कथित संरक्षण में ठेकेदारों की न केवल चांदी है बल्कि रेलवे क्वार्टर्स की चार दीवारी के निर्माण में धड़ल्ले से घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए यहां नाबालिग मजदूरों से भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ये सब घटिया नहीं है। किस तरह माना जाए घटिया नहीं है? पीली ईंटें दिखाई दे रही है, थर्ड क्लास की जो है। पीली ईंट नहीं है सर, ये एक नंबर की ईंट है, चाहे आप लैब में चेक करवा सकते हो। थर्ड क्लास की जो दिखाई दे रही है, दिखने से थोड़ी होता है जी, लैब में चेक करवाओ उससे मालूम चलेगा। ये टूट रही है, ये दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है, हाथ में नहीं टूट रही है, इसको लैब में चेक करवाओ, अगर कमी आएगी तो हम जिम्मेवार हैं इसके। वो तो आपकी बात बहुत उचित है, अच्छी बात कही है आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये अब क्या करे, अफसर साजी किसको कहे, कोई सुनने वाला है? कोई सुनाई करने वाला नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव।